अस्सलामुअलैकुम, मैं निमरा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़। दरिया खान मरी के करीब गांव घाटी में सेफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हिरा पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाने वाला उस्ताद फहीम जानूरी स्कूल की 12 साला तालिबा रीना कास्तली को बरगला कर अगवा करके ले गया और अब लड़की के 25 रिश्तेदारों पर झूठा केस भी अगवाकार स्कूल टीचर और स्कूल इंतजामिया ने करा दिया है, जिसमें असफराज पर जो के स्कूल का इंचार्ज है, उसके अलावा दीगर टीचर्स यूसुफ मुबीजो, जावेद मुबीजो, अल्ताफ मुगरियो और दीगर मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। जबकि गांव घाटी के मकीनों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालदैन ने कहा कि यह हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं ताकि उन्हें अच्छी तरबियत मिल सके और वो एक अच्छे इंसान बन सके, मगर मस्कूरा स्कूल टीचर का किरदार दुरुस्त नहीं है। वो अपने बच्चों से गलत हरकत करते रहते हैं और गुज़िश्ता रोज़ स्कूल में पढ़ने वाली 12 साला तालिबा रीना को एक बदमाश उस्ताद फहीम जानूरी अगवा करके ले गया और बजाय स्कूल इंतजामिया इस बदकिरदार उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई करती, उल्टा टीचर की हिमायत करते हुए 25 बेगुनाह गाँव वालों पर झूठी FIR कटवा दी गई। गाँव वालों का कहना है कि लड़की भी हमारी अगवा हुई है, उल्टा केस भी हम पर दाखिल किया गया। जबकि हम लड़की की अगवा की FIR कटवाने पट इधन थाने पर गए तो उन्होंने कहा कि आपकी हदूद दरिया खान मरी है। दरिया खान मरी थाने पर गए तो उन्होंने कहा ये हमारी हद नहीं है, आप पट इधन थाने जाओ और हमारी 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी NC तक दाखिल नहीं की गई। गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि स्कूल इंतजामिया से रिश्वत लेकर पट इधन पुलिस ने हमारे 25 अफराद पर FIR दाखिल कर दी है, जबकि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। ये कहाँ का इंसाफ है कि लड़की भी हमारी अगवा हुई और केस भी हम पर दाखिल किया जाए। लड़की के वालिद इमाम बख्श कास्तरी ने वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG नवाब शाह और SP नौशेर फरोज से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मेरी नाबालिग 12 साल की बच्ची रीना को अगवाकारों से बाज़ियाब कराया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और गांव के 25 बेगुनाह अफराद पर जो झूठा केस बनाया गया है उसे भी ख़त्म किया जाए, वरना हमारा एहतजाज जारी रहेगा और जब तक मेरी बच्ची बाज़ियाब नहीं होती स्कूल खोलने नहीं देंगे। आखिर में स्कूल के मासूम तलबा तालबात ने स्कूल गेट पर धरना दिया और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और गांव के लोगों ने भी एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हम पर जो झूठी FIR कटवाई गई है वो हम पर से हटाई जाए और अगवा होने वाली तलबा को बाज़ियाब कराया जाए और जो 25 अफराद बेगुनाह हैं उन पर से झूठी FIR हटाई जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।